दशरथ भैया का वेट कर रहे हैं, फटाफट आ जाएं, गाड़ी साफ़ करें, फिर उनसे पूछ लेते हैं भैया क्या हिसाब किताब है प्लांट से रिलेटेड। तकरीबन एक महीना वो गांव लगा कर आए हैं अपने छोटे भाई की शादी के लिए, उसके बाद आके भी कम से कम हफ्ता दो हफ्ते से ऊपर तो हो गया है। हमने उससे पहले का उनको बोला था प्लांट्स में खाद डाल देना। क्या बोल रही थी हमारी प्रिया सासू मॉम? कुछ नहीं, मैंने कहा आपने फोन नहीं किया। आज कहती दुकान पे घुसते ही पहले रास्ते में जो तेरे को करती हूँ वो अजी वासी ने फोन किया। बहन जी बन गई तो मेरा क्या होगा हा? ये वाला दरवाजा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की ने क्या किया, ये वाला लॉक बंद करके ये दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके अलावा कस्टमर लोगों को बोल बोल के थक गया कि पेमेंट निकाल दो, लेकिन मजाल किसी ने पेमेंट निकाली। ये देखो 90% स्टोरेज यूज्ड। बस यही है, आज से टोपी पहनना बंद, क्योंकि बाल उतारे थे उस बात को 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वीलॉग। तकरीबन 10:15 बज रहे हैं और एक और नया दिन। दशरथ भैया का वेट कर रहे हैं, फटाफट आ जाएं, गाड़ी साफ़ करें, फिर उनसे पूछ लेते हैं भैया क्या हिसाब किताब है प्लांट से रिलेटेड। तकरीबन एक महीना वो गांव लगा कर आए हैं अपने छोटे भाई की शादी के लिए, उसके बाद आके भी कम से कम हफ्ता दो हफ्ते से ऊपर तो हो गया है। हमने उससे पहले का उनको बोला था प्लांट्स में खाद डाल देना ताकि पानी जो है वो गमलों में रुके, लेकिन वो नहीं डाल पाए थे। अब देखते हैं, 2-3 नए गमले भी बनवाने हैं यार उनको बोल के। फाइनली दशरथ भैया काम पे लग गए हैं, प्लांट्स जो हैं उसमें खाद डालना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ प्लांट्स की चर्निंग भी हो रही है। टाइम हो 11:30 बज रहा है, शर्मा जाना यार। बड़े सारे गमले हैं जो हमें चेंज करने हैं और थोड़ा हार्ट टाइट चल रहा है यार, और क्या बोलूँ, वही करना पड़ेगा जो पहले किया था। दो दो करके गमले बदले थे बारिशों से पहले। मैं सोच रहा हूँ यार जितने हो सके गमले बदल लें। इतनी सारी ओखली में सर डाल के रखा हुआ है ना कि यार जो एक्चुअल में धर्म का काम होता है ना वो करने में ना दिक्कत ही आती है। जी बन गई तो मेरा क्या होगा हा? फिर आज जाना है या कल जाना है कनकांडी? क्या और उसकी बीवी है बिना बात किए अकड़ आ गई है। टाइम हो रहा है शाम के 4, क्या बताऊं यार कहां टाइम वेस्ट हो गया। मेरी लड़की ने बेडरूम अंदर से लॉक करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुला है और वो भी हमारा नसीब था, वरना तो ये दरवाज़ा नहीं खुलता। ये वाला दरवाज़ा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की ने क्या किया, ये वाला लॉक बंद करके ये दरवाज़ा बंद कर दिया। थैंकफुली दशरथ जब प्लांट्स चर्न करके गया ना तो ये वाला जो दरवाज़ा है, ये वाला दरवाज़ा उसने बंद नहीं किया, सिर्फ भेड़ा था।
आंगन में सीढ़ी लगाए, अजय भैया को बोला ऊपर आओ, ये दरवाज़ा खुला था, इसके थ्रू ये वाला दरवाज़ा खुला। पूरी दोपहर यहीं घुस गई, सच बता रहा हूँ, पूरी दोपहर। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वाला टाइम हो रहा है रात के 8:30 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है और उसकी वजह से हम भी कंप्यूटर के सामने ही बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो हमारी आउटस्टैंडिंग्स है वो निकालने की। उसके अलावा कस्टमर लोगों को बोल बोल के थक गया कि पेमेंट निकाल दो, लेकिन मजाल किसी ने पेमेंट निकाली। अभी भी सिस्टम के सामने बैठे हैं, मेलबाजी करेंगे और आप सबके साथ भी वार्तालाप करेंगे। भाई टाइम हो रहा है रात के 9:15, ये देखो 90% स्टोरेज यूज्ड। क्या बुरे दिन आ गए यार, गूगल की तरफ से भी मेरे को रिमाइंडर आ गया है कि स्पेस पूरी हो चुकी है, या तो स्पेस खाली करो या तो फिर एक्स्ट्रा स्पेस परचेज करो। एक्स्ट्रा स्पेस परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी मुझे हमेशा के लिए नहीं मिलेगी। मतलब गूगल इतना शाणा है, अगर मैं उसके पैसे भी देता हूँ तो मुझे वो एक्स्ट्रा स्पेस सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगी, ओनली 1 ईयर। कुछ पुराने ईमेल्स डिलीट करते हैं और स्पेस वापस क्रिएट करते हैं, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ₹1755 किस चीज के? टाइम हो रहा रात के 12:15, खाना पीना हो चुका है, मतलब काम तो कभी हो गया हो। गर्मी पड़ रही है ना, दही या छाछ के बिना तो काम चलता ही नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो कंज्यूम करना ही है, यू नो। बाकी क्या बताएं, आज का दिन तो भैया घर बैठे बैठे ही निकल गया, कुछ खास कर नहीं पाया। बस यही है, आज से टोपी पहनना बंद, क्योंकि बाल उतारे थे, उस बात का 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। हल्का फुल्का सा एयरपोर्ट हो गया है, जो यार अपने को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है इन सब चीज़ों के ऊपर, ताकि कल संडे है, वॉशिंग मशीन लगेगी, कपड़े धुलेंगे, शाम को बड़े पापा के घर जाना है, ये बात तो कन्फर्म ही है, बिकॉज ही इज़ नॉट देयर, सो एटलीस्ट आंटी से तो मिल ही लेंगे। ऊपर के बाद जाने का प्लान बन रहा है, सो जैसे ही कपड़े निपटेंगे हम लोग निकल जाएंगे। हो सकता है ये वाला ब्लॉग मैं कल भी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आज कुछ खास माल मटीरियल मिला नहीं है। उसके अलावा आज का ब्लॉग जो अपलोड करना था वो भी नहीं कर पाया, एंड क्या बताऊँ यार, अच्छा तो नहीं लगता मुझे कि मैं अपने ब्लॉग्स टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एम नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि यार आई नीड टू कम आउट ऑफ इट, पता नहीं क्या हो गया है, इन द सेंस इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाता हूँ मल्टीपल चीज़ों में कि मैं अपनी ब्लॉगिंग कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ। आई नो दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी जॉब, लेकिन मुझे ब्लॉगिंग करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जिंदगी झंडुई पड़ी यार, और ये वेदर भी कुछ खास कॉपरेट कर नहीं रहा। आज का दिन जैसा भी रहा आप लोगों से शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, अगर नहीं पसंद आया हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, घर बैठे कर भी क्या सकता है यार, और इतनी गर्मी में बेफालतू में बाहर जाना है कोई मन नहीं कर रहा, frankly speaking. So anyways guys, it's good night for now, speak dreams, take care, do like, share, subscribe the channel, find join the content, I'll see you tomorrow.